आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं।